मैं निकल चुका हूँ घर से और मैं जा रहा हूँ अपने गांव कंडेरी शादी में, और मेरे साथ हैं मेरी भतीजी, इनको क्या बोलो, ये हमारे जवाई जी हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, और पीछे मेरी दीदी बैठी है, मौसी की लड़की सबसे बड़ी वाली है। बोलो बना दो। मैं जा रहा हूँ दुकान में मिठाई लेने के लिए, मिठाई की दुकान देखता हूँ कहाँ पे है। मैं आज फिलहाल तो मैं आ गया हूँ भुआ खाल में। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने गांव कंडेरी में, और आज मैं 4 साल बाद आया हूँ। तो गांव का थोड़ा नज़ारा भी मतलब ठीक है, क्योंकि बरसात वो मार्च अप्रैल चल रहे हैं तो हरा भरा हो रखा है हर तरफ। और ये मेरे गांव, ये है कंडेरी, और घर में शादी हो रही है तो उसके लिए कुछ सामान आया था, उसे लेने आया था। तो यहाँ पे देखा पहले से काफ़ी लोग थे तो वो सामान ले जा चुके हैं, और मैं अब खाली जाऊंगा तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ। ये मेरा गांव, ये मेरी 3 दिन में दूसरी शादी है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गांव है तो मुझे काफ़ी टाइम हुआ आए हुए, तो मुझे गांव गांव के अंदर, और यहाँ लोग बाग जो पहले रहते थे वो प्लेन में जा चुके हैं। तो अपना कुछ कार्य जो होता है घर में, कुछ फंक्शन होता है, तो जो मतलब लोग बाग बाहर रह चुके हैं वो घर में आ गए, अपने पुराने मकानों को अच्छे से मरम्मत कर रहे हैं ताकि आते हुए किसी के यहाँ ना रहें, मतलब अपने घर पर आए। और यहाँ पर गांव के लिए अरसे तैयार हो रहे हैं, गांव के सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं किसी भी शादी समारोह में। भैया फिर से बोला बस पास बना दो। ये बन रहा है चिकन, और नागू भाई के हाथ से
शाम को बनेगी दारू, दारू के साथ का चखना है। क्यों भाई नाग भाई, दारू के साथ का चखना है ये। यहाँ पे हो चुकी है शाम की तैयारी, रोटी बन रही है, गांव के सभी लोग रोटी बना रहे हैं। अरे तुम लोगों का तवा खाली पड़ा है। हेलो आधार यहाँ पे दिन का खाना स्टार्ट हो गया है, जो आज यहाँ हल्दी हाथी, उसके बाद जो दोपहर का खाना है वो शुरू होने वाला है। अभी लोग बाग खड़े हैं, थोड़ी देर में खाना खाएंगे। होशियार बन से माल ना ठेक ठाक होगा कमा कर तब उन्होंने स्टोर के पर जो बाद में जाओ छाल बिता बात रहे
और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। बाकी मैं आपको बारात दिखाता हूँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। देख सकते हो मेरे पीछे काफी लोग जा रहे हैं बारात में, गांव के छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, ये देखो दो तीन आ रहे हैं, वो भाई कैमरामैन पीछे पीछे आ रहे हैं। अभी जी शूट कर रही है, कुछ वीडियो बना रही है। और जहाँ पे मतलब गाड़ियाँ रुकी है वहाँ से मैं थोड़ा सी दूर हूँ, क्योंकि वो हमारे गाँव का बैंड है, वहीं पर सब गाड़ियाँ रुकती है, गाँव के लिए हो चाहे नीचे वाले गाँव के लिए हो, सब गाड़ियाँ वहीं पे रुकती है। और पीछे मेरे बारात आ रही है, थोड़ा दूर है मेरे से क्योंकि मैं उनसे पहले पहले आ चुका हूँ ताकि मैं वीडियो बना सकूँ अच्छे से। और जहाँ पे मुझे जाना बैंड में तो थोड़ा पास है, मैं बाकी वीडियो वहीं पे बनाऊँगा। ओके भाई, ये हमारे कंडेरी गाँव के जस्सू भाई, फेमस आर्टिस्ट। आने तो चाहिए, सब वीडियो में आने चाहिए ना। सर 4 घंटे हो गया, 4 घंटे हो गया, 3 घंटे कुछ 56 मिनट हो गया, 3 घंटे हो गया, 3 घंटे से ज़्यादा हो गया। हम पहुंच चुके हैं दुल्हन के घर पे और मेरे आ गए मेरे बड़े भाई। सामने ¿Qué es lo que pasa?
चस चस की उठन लो ओ मरी मां बाम जाने सुन दो अफार इदि मी तोरम सामने ना थगे थगे अफार जरता हूं श्री साहब ओम अस्सलाम ते मोते से पर दिन मन के लेवा वाली चला ये भी मिट ब्लॉक मान लो खोटे देखे मिले जुमर की चलो चलो ब्लॉक में जो माने बुझान जाते चलो 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 बताओ बताओ तो सब कुछ बता चाहे कि एक हथ कमरा निरूप हाँ ये तो बात जम तो निरूप मैं जम तो क्यों जा ऊद भी तस्लिम तीन महीने जूम आ रहा डी से भी अरे सॉरी सॉरी यार गलत जगह राउंड डिस्टेंस अरे यार राउंड डिस्टेंस हो गया बॉडी 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 जरा जरा ठंडा पड़ा था यार जाने तुम टैक्सी का खोए दो थोड़ा पिछना हुआ तो गाड़े जाल बनता हो यार बेटी लगे बात आगे जाने को जो इंग्लिश में समझा रही है बस देख लेना।